हेलो गाइस, आई होप डैट कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा डिमांडेबल, सो गाइस आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें मुझे पार्ट टाइम में अर्निंग हो सके, मैं पार्ट टाइम में कुछ वर्क कर सकूं जिससे कि मेरी इफेक्ट ना पड़े मेरी पढ़ाई के ऊपर, मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के ऊपर, मैं अगर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता रहूं और अर्निंग भी होती रहे और लर्निंग भी होती रहे। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। कैसे कैसे कैसे, ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा गाइस। इसमें मैं दो सीक्रेट स्किल्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों शेयर कर रहा हूं कि मैंने अचीव किया है कुछ, तो मैं आपको बता दूं गाइस, मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। अगर ये सारी वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ कर रहा हूँ पार्ट टाइम, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज कि आप भी अर्निंग कर लो घर बैठे। सो गाइस, ये वीडियो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि पार्ट टाइम में अर्निंग कैसे की जाए। तो पार्ट टाइम में अर्निंग करने के लिए मैं आज आपके साथ दो चीजें शेयर करूंगा। एक बहुत सीक्रेट है जो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने किसी को अभी तक नहीं बताई है। पार्ट टाइम में अर्निंग करने का सीक्रेट वो है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है उसमें, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ही इजी है और वो आप सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ और मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ। और गाइस, इस स्किल की वजह से मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरी प्राइवेट जॉब लगी थी और गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। इस एक स्किल्स की वजह से इतने फायदे हुए मुझे कि यू कांट इवन इमेजिन कि कितने फायदे हो रहे हैं मुझे आज के टाइम पर। अर्निंग, लर्निंग और विदाउट स्टॉप एनीथिंग मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइस, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइफ में कुछ अचीव करना है। क्योंकि मैंने देखा बहुत से कमेंट थे ऐसे कि मेरे पास सिचुएशन ऐसी नहीं। गाइस, सबकी सिचुएशन ऐसी होती है, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं। आप देख रहे हो पीछे का बैकग्राउंड मैंने चेंज किया हुआ है, रीजन पता है, मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, सबसे पहली जो हमारी स्किल है वो है हमारा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। यूट्यूब चैनल की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, प्राइवेट जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी और यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है, ठीक है। लेकिन आप कैसे कर सकते हो, मैं अभी भी मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और ये मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक ये माइक ले रखा है, आप देख रहे हैं ये माइक, ठीक है। आप भी एक माइक खरीद सकते हैं, ठीक है गाइस, एक माइक, सिंपल सा माइक, 800 रुपए का, एक ग्रीन स्क्रीन जिसका यूज करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एक मोबाइल तो अब आपके पास हो गई, ये तीनों चीज हो गई, आप एक यूट्यूबर बन गए। अब आपको ये चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप एक चैनल बनाकर कैसे एक यूट्यूबर बन सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, वीडियो को कैसे क्रिएट करना है, वीडियो में कैसे एडिटिंग करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, SEO कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने बेसिक से पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक सारी चीजें क्लियर की हैं। आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं गाइस बिल्कुल फ्री। गाइस, ये जो कोर्स है वो आपको मेरे नए वाले चैनल पर मिलेगा टेक्निकल भारद्वाज जी, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पूरे प्लेलिस्ट का जरूर वीडियो देखना, जहां पर आप बिल्कुल बेसिक से सारे एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अब बात आती है कि हमारे पास कौन कौन सी इक्विपमेंट होने चाहिए। एक माइक होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया, एक ट्राइपॉड जिसमें आप मोबाइल रखेंगे जैसा कि मेरा मोबाइल रखा हुआ है, और एक ग्रीन स्क्रीन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप ग्रीन स्क्रीन भी मंगा सकते हैं। अगर आपका घर अच्छा है, अच्छा बना हुआ है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपने रूम में जाइए, ट्राइपॉड रखिए, एक अपना माइक लगाइए, चालू कर दीजिए वीडियो बनाना। अब इसके फायदे क्या होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी लर्निंग भी होगी, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होगी, मतलब कि आप कुछ भूलेंगे नहीं। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और फिर आप उसे दोहराते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, तो आपको ज्यादा दिनों तक याद रखती है, ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, ठीक है गाइस। इसका सेकंड फायदा ये है कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो वहां पर पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वहां पर आप सिंपली बोल भी सकते हैं कि सर मैं यूट्यूब पर भी वर्क करता हूँ, तो वो आपके वीडियोस भी देख सकते हैं, तो अगर आप अच्छी वीडियोस बनाते तो वो आपकी वीडियो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि बंदा हार्ड वर्किंग है, तो आपको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये मेरे साथ हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब बात आती है कि इक्विपमेंट कहाँ से लें। माइक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राइपॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजोन से मंगाइए, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो मैंने लिंक दिए हैं, अमेजोन से मंगा लीजिए आप, ठीक है। तो अमेजोन से आप मंगाएं तो 1 वीक में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि आप एक यूट्यूबर बन जाओ जिसके साथ साथ आपकी लर्निंग और अर्निंग भी हो सके, ठीक है, जिससे कि आपकी पढ़ाई कभी बीच में ना रुके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते करते आप अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कुछ नहीं पता होता है कि कब मिलने वाली है, ठीक है। जैसे कि मेरे ही साथ ले लो, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला मुझे,
पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो जो मैंने लिंक दिया है टेक्निकल भारद्वाज जी वाले चैनल का, एक बार कोर्स पर जाकर आप क्लिक करके देखना, मोबाइल से सारी चीजें आप सीखेंगे, SEO से लेके क्या क्या YouTube पर होता है, मोबाइल से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं चैनल, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, और YouTube की जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मेरे चैनल पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है गाइस, मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। सब लोग उस चीज को बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं, ऐसा है वो पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी अर्निंग कर सकता है, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है, क्या हो सकता है ऐसा। ऐसा है गाइस शेयर मार्केट, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन शेयर मार्केट। अगर आपको लाइफ प्रूफ देखना है कि मैंने कितने रुपए अर्न किए सिर्फ घर बैठ के, कुछ इन्वेस्ट करके अर्न किए, कुछ नहीं किया सिर्फ घर बैठे, अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, सिर्फ इन्वेस्ट किया एक अच्छी कंपनी देख, अगर ये सारी चीज़ें आपको लाइव देखनी है बिल्कुल प्रूफ के साथ, तो मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइफ प्रूफ का कि मैंने शेयर मार्केट से कितनी अर्निंग की। अगर आप भी अर्निंग करना चाहते तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अपस्टॉक जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म का, जहां आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं और 1000 का ब्रोकरेज चार्ज भी आपसे नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरे लिंक के थ्रू वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो वो लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो, डाउनलोड करो, सारी चीज़ें मैंने बताया कि कैसे आपको अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दी हैं, तो आप शेयर मार्केट से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो लाइव प्रूफ देखो, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है AB शेयर मार्केट किंग्स, जिस पर आप विजिट करके मेरा लाइव पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि मैंने कितना इन्वेस्ट। सो गाइड मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब गाइस क्या है कि शेयर मार्केट में थोड़ा रिस्क है, मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप जाओ और ज्वाइन कर लो, वहाँ पर रिस्क है, लेकिन अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो वहाँ पर रिस्क नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में आप अपनी आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मेरा कोई रिकमेंडेशन या मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप शेयर मार्केट को ज्वाइन करो। मैंने लिंक दिया आप स्टॉक्स का, अगर आप चाहते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप अपने रुपए को बढ़ा सकते हो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन अभी मैं लॉस में भी चल रहा हूँ। आप मेरे लाइव पोर्टफोलियो देखेंगे जब शेयर मार्केट का मैंने जो चैनल दिया है उस पर विजिट करेंगे और जो वीडियोज़ देखेंगे उसमें अभी मेरा लॉस चल रहा है, आप देखेंगे मैं 3000 रुपीज़ लॉस में चल रहा हूँ, 3000 कभी कभी 4000 हो जाते हैं, तो कभी कभी ये 10000 इंक्रीज हो जाते हैं और मैं अपने रुपए निकाल लेता हूँ। ये मतलब ये थोड़ा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा शेयर मार्केट में जाने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए फ्री कोर्स लेके आऊँगा। तो आपको क्या करना है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, AB शेयर मार्केट किंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहाँ पर आप विजिट करेंगे और मेरे वीडियोज़ देखेंगे कि शेयर मार्केट मुझे कितना लॉस हो रहा है और कितना मैंने अर्निंग किया है। जो लाइव प्रूफ वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कितनी अर्निंग की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको अपने अमाउंट को इंक्रीज़ करना है, आप कैसे कर सकते हैं ये आपको अपना माइंड लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं सोचता रहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ करना है यार लाइफ में, ऐसे ही आपको भी कुछ करना पड़ेगा यार, अपना टाइम देना पड़ेगा। सो गाइस आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट करना, आपके फ्यूचर में हेल्प हो सकती है। और गाइस मैंने जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों चैनल के हैं, जहां पर आप विजिट करके दोनों चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।